नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आरपी राजपूत। स्वागत है आपका इंडिया स्पेशल में। साबरमती एक्सप्रेस ट्रेन हादसा या बहुत बड़ी साजिश? पिछले 30 दिन में 9 ट्रेन हादसे हो चुके हैं। इसको लेकर लोग सोशल मीडिया पर रेल मंत्री से लेकर सरकार की खूब आलोचना कर रहे हैं, सवाल पूछ रहे हैं। लेकिन अब इसको लेकर रेल मंत्री ने बड़ा बयान दिया है। रेल मंत्री ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा है कि साबरमती एक्सप्रेस के इंजन से कोई बाहरी वस्तु टकराई, जिसके बाद इंजन क्षतिग्रस्त हो गया और ट्रेन बेपटरी हो गई। अब सवाल खड़ा हो रहा है कि आखिर ट्रेन को डीरेल करने का प्लान किसका है। अब उत्तर प्रदेश पुलिस और आईबी जांच कर रही है और जांच के बाद ही पता चलेगा कि आखिर ट्रेन को बेपटरी करने की साजिश किसकी थी। और रेल मंत्री अश्नवी वैष्णव ने जो ट्विटर पर लिखा है कि ट्रेन के इंजन से बाहरी वस्तु टकराई, जिसके बाद ये इतना बड़ा हादसा हुआ है। गनीमत रही कि ट्रेन के ड्राइवर ने सूझबूझ से इमरजेंसी ब्रेक लगा दिया और समय रहते ट्रेन रुक गई। और इसमें किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। खबर है कि हल्की फुल्की कुछ लोगों को चोटें आई हैं, लेकिन इसमें किसी के जान माल की नुकसान की कोई खबर नहीं है। साबरमती एक्सप्रेस ट्रेन हादसा या फिर साजिश? साबरमती एक्सप्रेस पटरी से उतरी या फिर उतारी गई? ये वो सवाल हैं जिनके जवाब मिलना अभी मुश्किल है। लेकिन रेल मंत्री अश्नवी वैष्णव ने अब इस पर प्रतिक्रिया दी है। बीती रात एक बड़ा ट्रेन हादसा होते होते बच गया। गनीमत रही कि ड्राइवर ने इमरजेंसी ब्रेक लगा दिया और सैकड़ों लोगों की जान बच गई। नहीं तो आज की सबसे बड़ी खबर साबरमती ट्रेन हादसा होता। कानपुर और भीमसेन स्टेशन के पास साबरमती एक्सप्रेस वाराणसी से अहमदाबाद जा रही थी। ट्रेन नंबर 19168 पटरी से उतर गई। हादसे में किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं है। साबरमती एक्सप्रेस ट्रेन हादसे पर रेल मंत्री अश्वनी वैष्णव ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। रेल मंत्री ने इसे साजिश करार दिया है, क्योंकि पिछले 30 दिन में 9 से ज़्यादा रेल हादसे हो चुके हैं और ये ऐसे हादसे हो रहे हैं जिसे सुनकर हर कोई हैरान है कि लगातार ट्रेन हादसे क्यों हो रहे हैं। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि आज सुबह करीब 2:35 पर साबरमती एक्सप्रेस का इंजन ट्रैक पर रखी किसी वस्तु से टकराया और कानपुर के पास ट्रेन पटरी से उतर गया। ट्रेन पर कई निशान मिले हैं, साक्ष्य सुरक्षित रखे गए हैं। आईबी और उत्तर प्रदेश पुलिस इस पर काम कर रही है और जांच के बाद ही पता चलेगा कि आखिर ट्रेन को डीरेल करने की साजिश कौन कर रहा था। यात्रियों या कर्मचारियों को कोई चोट नहीं आई है। यात्रियों के लिए अहमदाबाद की आगे की यात्रा के लिए ट्रेन की व्यवस्था और बस की व्यवस्था की गई है। लेकिन अब सवाल उठ रहा है कि साबरमती एक्सप्रेस को डीरेल करने की साजिश किसकी थी, क्योंकि लगातार रेल हादसे बढ़ रहे हैं और सोशल मीडिया पर लोग रेल मंत्री की आलोचना कर रहे हैं। कानपुर और भीमसेन स्टेशन के बीच आज बड़ा ट्रेन हादसा होने से बच गया। वाराणसी से अहमदाबाद जा रही साबरमती एक्सप्रेस बेपटरी हो गई। हादसे में किसी के हताहत होने की तो खबर नहीं है, लेकिन गनीमत रही कि वक्त रहते ड्राइवर ने इमरजेंसी ब्रेक लगा दिया। पहले के मुताबिक अब रेलवे भी कई तरह की तकनीक का इस्तेमाल कर रही है। ऐसे में किस तरह से ये ट्रेन हादसे लगातार बढ़ रहे हैं और आए दिन ट्रेन हादसे हो रहे हैं, अब इस पर आईबी और उत्तर प्रदेश पुलिस लगातार जांच कर रही है और जांच के बाद ही पता चलेगा कि किन लोगों की साजिश थी जो ट्रेन को बेपटरी करने की कोशिश कर रहे थे।